और आज गांव में हमारा दूसरा दिन। और गाइस यहां देखो भाई मासी भाभी और सब आ चुके हैं। मैंने बोला था कल आपको कि वो लोग कल आएंगे, तो भाई और सब आ चुके हैं। बड़े अम्मी और बड़े अब्बा और भाई पीछे है, और अभी समझ भाई और सा भाभी और मम्मी और मासी आ गए हैं। देखो वो लोग आ गए। और अभी देखो सब गाड़ी से उतर रहे, मम्मी मासी और भाभी सब गाड़ी से उतर रहे और अभी आएंगे। और आज हम खूब सारा एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो आप सब एंड तक मेरा व्लॉग देखना। मासी मारो तो सूट के लाओ, वालेकुम सलाम ना वानु से। ये एक उम्र लागे ने बताई। और यहाँ देखे सब आके बैठे और बातचीत कर रहे हैं सब, क्योंकि कितने दिन के बाद। मेरे दादा का घर, यहाँ पापा खेल के बड़े हुए हैं। पासपोर्ट साइड में मुकू पड़ से यहाँ से स्टार्ट होके जा बकरो मारे छो, बहु लांबो बांधो छे એટલે પણ માસી ज्यादा धूप लग रही है। इधर मैंने सनस्क्रीन भी लगाई, फिर भी बहुत ज्यादा धूप है। मम्मी और ये सब यहाँ जाम्बू सो आया ऊपर के ला बता जो है થઈ ગયું સમજી ગયા આયા છે કે કોથરાઈને પછી પડાય હા પછી પડાય ન કરે જોઈ જો બકરો મારે છે જોજ માં તો જો હા એ બધે આવ્યો હા પછી હા જે કાને પડ પાડ દે હું તને કરકન જો જો કેલો લાંબો બાંધો છે એટલે બકરો કોણ ખાય તો ના આ તો ચીકુ કેવી તાજી છે, મારતી નથી હો, પણ જરે મારતી નથી પાણી બિચારાને તરસ લાગી લાગે છે। મમ્મી કેવું થાય કે લાગે છે ઝાડ માં થઈ ગયો ના નારિયેળ લીધો બતાય ને ઘર માં ઝાડ મમ્મી કેવું તરકો લાગે છે મામા ને કહી જવું फ्रेंड्स ये मेरे मामा का घर और मम्मी का घर और मासी का घर। यहाँ मासी और मम्मी खेल के बड़े हुए और मम्मी और मासी का यहाँ बचपन गुजरा है। खेल खेल के यही गली पे मम्मी खेलते थे और पापा भी यहीं खेलते थे। इतना दूर है गाइस, देखो गाइस देखो इतना दूर है मम्मी और पापा का घर। बहुत ज्यादा गई धूप है, मम्मी को तो नहीं लग रही इतनी।
मम्मी ने तो नहीं लगता है मोटा थिया सा तड़का में आवे हे मासी आ मोटा थिया से એટલે તમને ઘર આવ્યું ઘર આયનો લાગે ઘર આવ્યું એટલે ક્યાં તડકો લાગે દે આઈ ઉચક કેમ છે જી દેખી મમ્મી કા એ ઘરે મમ્મી આ રહેતી હતી પહેલે और ये मामा ने तो सब बगीचा बना दिए मम्मी पहले यहाँ पर रहते थे और गाइस ये है मेरे मासी का घर। मेरे सबसे बड़े मासी है वो भी गांव में ही रहते। वो मेरे मासी का घर ये देखो कितना प्यारा है मेरे सबसे बड़े मासी का घर। ये गाइस देखो पिंक कलर का ड्रेस पहने वो मेरे मासी है और जो ऊपर बैठे वो मेरे बड़े बहन है मेरी सिस्टर है। मासी के घर से आते आते रात हो गए। मम्मी को और मासी को इधर सब भी पहचानते तो रास्ते में कोई ना कोई मिल जाता था तो मम्मी और मासी उनके साथ खड़े रह के बातें करने लगते थे। मैं इधर किसी को पहचानती नहीं थी इसलिए हमें तो कोई बुलाता नहीं था। और गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही और हम मिलेंगे कल।